अरे कहना क्या चाहते हो? दोबारा आ चुके हैं अपनी सर्वाइवल की सीरीज का एपिसोड नंबर 3 लेकर। तो डोंट वरी गाइस, ये सीरीज अभी भी कंटिन्यू रहेगी और अल्लाह का शुक्र है कि ये वर्ल्ड अभी तक लिलेट नहीं हुआ है। तो फटाफट से वहाँ यहाँ पे देख सकते हो कि मैं बैरल लगा रहा हूँ। और आज की वीडियो को मैं आपको टॉपिक बता दूँ, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, कि आज हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर। और उसके लिए हमें केव में जाना पड़ेगा, तो और उसके लिए हमें बहुत सारा सामान चाहिए। तो सामान की मैं आज रेडिंग कर रहा हूँ अभी, और मैं मिलता हूँ आपसे केव में जाकर। बिकॉज आज के एपिसोड में हमें फुल्ली टूल्स भी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आर्मर तो बनाने बनाया। तो यहाँ पे आप लोग सामने केव का इतना बड़ा मुँह देख सकते हो, और इस मुँह में हमें जाना है। फिर इस मुँह से हमें नीचे भी जाना है, क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ी केव है। लेकिन अभी हम उसका सिर्फ 20% पार्ट डिस्कवर करेंगे आज हम, सही है। तो फटाफट से अब हम यहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे रास्ता देख सकते हो सीधा सीधा जाने का, हमें वहाँ से सीधा सीधा जाना तो है, लेकिन हमारे मोबाइल की अभी ब्राइटनेस कम है, तो इसलिए हमें अंधेरा आ रहा है। अब हम चल A few inches later. मिलता हूँ गाइस, मैं नीचे आ चुका हूँ फटाफट से। और हमें यहाँ पे कुछ कोल भी तोड़ना पड़ेगा, और ये चिमकाने के लिए यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि इतना सारा कॉपर मिल रहा है, इसका हम करेंगे क्या, इसके क्या हम क्या बनाएंगे, ब्लॉक के लव हैं क्या बनाएंगे, माइनक्राफ्ट बताओ हमें। तो लेकिन छोड़ो, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे इतनी सारी टॉर्चेस क्यों लगी हुई हैं। तो वो इसलिए लगी हुई हैं बिकॉज यहाँ पे मैं पहले आया था, मेरे को बहुत सारा आयरन मिला था, और बहुत सारा आयरन जब मुझे मिला था तो मैं एक और दूरबीन के उस तरफ जाने के चक्कर में मैं ब्रिज बना रहा था, और एकदम से स्केलेटन ने मुझे क्या करा, स्केलेटन क्या करता है, स्केलेटन पप्पी तो लेता नहीं है, स्केलेटन एरो ही मारता है। तो जाहिर सी बात है उसने मुझे एरो मारा, और फिर जैसे उसने मेरे को एरो मारा और मैं नीचे गिर के फनाश ख़त्म हिम कर दिया उसने मुझे, ख़त्म हिम। तो फटाफट से यहाँ पे हमने कोल भी तोड़ लिया है, टॉर्चेस बना लिए, और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो नीचे, यहीं पे मेरे को पिछली दफ़ा स्केलेटन ने भी मारा था। और देखो पिछली बार मेरे को स्केलेटन ने मारता आयरन थे, और अब क्रीपर ने मारते और कंट्रोल। तो यस गाइस, अब हमें वापस जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा जाहिर सी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना सामान को वहाँ तो छोड़ नहीं सकते, और ये जो आप देख रहे हो सामने वीडियो, ये चल रही है एट द स्पीड ऑफ 10x। तो फटाफट से हमें चलना पड़ेगा अपने सामान के पास, और क्योंकि उसको सेफ भी तो रखना है ना। तो मकड़ी को मारने के बाद हम आ चुके थे अपना सामान के पास, हमने ले भी लिया था, सेटिंग वापस से कर ली थी, लेकिन यहाँ पे आ चुके थे दो दो स्केलेटन और एक प्लस भी मकड़ी भी, जो मकड़ी अभी हमने अभी भी मारी थी वो फिर से आ गई थी। और यहाँ पे एक और स्केलेटन आ जाता है, तो यहाँ पे हिंस मेरे को दो स्केलेटन्स के एरोस कंटिन्यूसली। आपको पता है कितना भी जिगजैग में भाग लो, ये साले हैकर अपने आते हैं लगा के एम्बो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक हार्ट पे बचा था, इसलिए मैंने अपने आप को पैक कर लिया था, और मैं हेल्थ फुल करके वापस आ चुका था। तो अब मैं इसको मारना पड़ेगा, अब मैं इसके पास जा रहा हूँ मारने के लिए। डोंट वरी गाइस, इस दफ़ा मैं नहीं मरने वाला, इस दफ़ा मैं लेऊँगा अपना बदला। आ जा नीचे बदला लेऊँगा, और इसको क्रिट मारूँगा, क्रिट एक्स की क्रिट। अबे उड़ा रहा है हाँ, कैसा मैंने स्पैम करा, स्पैम कोई नहीं बोलेगा गाइज, स्पैम कोई नहीं बोलेगा, इसको स्किल्स बोलना है स्किल्स। तो फटाफट से हमने यहाँ पे स्केलेटन को मार दिया है, और अब हमें ढूंढना पड़ेगा आयरन, और आयरन में मुझे एक जगह दिखा है। तो फटाफट से अब हमें चलना पड़ेगा आयरन के पास, बिकॉज सीधी बात बकवास, तो चलते हैं फटाफट से। अब क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा आयरन माइन करूँगा, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन करूँगा, और कहीं आप उसमें बोर ना हो जाओ और वीडियो छोड़ के नहीं चले जाओ, इसलिए मैं आपको बोर नहीं करूँगा। गैस प्लीज़ वीडियो छोड़ के जाया करो यार, दुख होता है, दिल में दुख होता है। तो ये जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मेरी उसी माइनिंग का है, और मैं यहाँ पे माइनिंग के चक्कर में, यहाँ पे केव में घूमने के चक्कर में बहुत नीचे आ गया था, और मेरे को सामने कुछ चमकती हुई चीज़ दिख रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे गया, और गेस करो मेरे को क्या मिला, डायमंड्स गाइस, डायमंड्स मिले तुम्हारे भाई को। और जैसे कि डायमंड्स मिले, मैं यहाँ पे देख रहा था कि कोई आसपास है तो नहीं जो मारेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डायमंड है, और मैं इसके आजू बाजू भी चेक करता हूँ कि कहीं और डायमंड हो तो और मज़ा आ जाए। लेकिन ये जो डायमंड और था ना गाइस, ये एड मेरे को नेचुरली मिला था एट दी लेवल ऑफ -23, क्योंकि इनका जो नॉर्मली मिलने का जो लेवल होता है ना वो -56 होता है, 58 होता है शायद, सॉरी। तो ये आज यहाँ पे बहुत ही रेयरली मेरे को मिला है। तो अब मुझे फटाफट से घर जाना पड़ेगा, और अपने लिए आयरन का जो आर्मर वार्मर और सेट जो मेरे को बनाना था वो बनाना भी पड़ेगा। तो फटाफट से अब हम घर पे चलते हैं, हम घर पे चलते
सॉरी सॉरी, हम घर पे चलती फिर तुमको मिलती। हबीबी नहीं नहीं बन रहा ना गाइस, कोई बात नहीं, मेरे को पता है नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी हम घर चलेंगे। और हमने सारा आर्मर वार्मर बना लिया होती और अब हम यहाँ पे तुम्हारे को बता रही होती कि ये वाली वीडियो इतनी ही थी होती और डायमंड हम फिर कभी देखती, बिकॉज कंटेंट की कमी होती और इसलिए वीडियो लेट लेट आती, तो हमें कमेंट में बताती वीडियो कैसी होती। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जो भी मेरे को आ चुका है, और जाते जाते मैं एक यार मैं एक मिमिक्री करूँगा, आपको कमेंट में गेस करनी है कि वो किसकी। और ये वीडियो कैसी लगी लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लगी। ओए सही है, बताओ मेरे को कमेंट में ये किसकी मिमिक्री। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और